भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। बीते 5 दिनों में गंगा के जलस्तर में 10 से 12 सेंटीमीटर की कमी देखी गई है। गंगा के जलस्तर घटने से जिला प्रशासन के साथ साथ लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा कम हुआ है। हालांकि भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी गंगा घाटों पर चौकसी बरती जा रही है। 24 घंटे एसटीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। भागलपुर में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। कई इलाकों में गंगा का पानी फैल गया था, जिससे कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दियारा इलाकों में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खेती में लगी फसल सब्जी सभी डूब कर बर्बाद हो गए। किसानों को आर्थिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ा था। एसटीआरएफ के हवलदार सरवन झा ने कहा है कि गंगा का जलस्तर घट रहा है। गंगा घाटों पर एसटीआरएफ की टीम तैनात है। आपको एक बार फिर से बता दें, भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आई है और कई इलाकों से टला है बाढ़ का खतरा भी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार कमी आ रही है और बीते 5 दिनों में गंगा के जलस्तर से 10 से 12 सेंटीमीटर की कमी देखी गई है। गंगा के जलस्तर घटने से जिला प्रशासन के साथ साथ लोगों ने राहत की सांस ली है। जी हाँ, भागलपुर में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा था। पानी बिल्कुल निचले इलाकों तक आ गया था और कई इलाकों में गंगा का पानी फैल गया था, जिससे कि लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दियारा इलाकों में किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। खेती में लगी फसल सब्जी सभी डूब कर बर्बाद हो गए। किसानों की हालत बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। एसटीआरएफ के हवलदार सरवन झा ने कहा है कि गंगा का जलस्तर घट रहा है। गंगा घाटों पर एसटीआरएफ की टीम तैनात है और किसानों ने इसके लिए राहत की सांस ली है, क्योंकि इससे अभी बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा था। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।